एवरीवन, मैं हूं नैना सिंह, आज के सिनेमा की आवाज़ और समरी ऑफ सिनेमा में मैं आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपको अमेज़न प्राइम की टॉप 5 हॉलीवुड की अच्छी छुपी हुई फिल्मों का रिव्यू देने वाले हैं, जो जरूर देखनी चाहिए अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप है तो। पहले नंबर पे आती है जोकर। जोकर एक 2019 की अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसे टॉड फिलिप्स ने डायरेक्ट और को प्रोड्यूस किया है। इसका स्क्रीन प्ले टॉड फिलिप्स ने स्कॉट सिल्वर के साथ मिलकर लिखा है। 1981 में सेट ये कहानी आर्थर फ्लेक की है, जो मस्ट वॉच क्यू है। जाइए और जाके देखिए इसे ओनली ऑन अमेज़न प्राइम। दूसरे नंबर पे आती है पल्प फिक्शन। पल्प फिक्शन एक 1994 की अमेरिकन इंडिपेंडेंट क्राइम फिल्म है, जो वन ऑफ द बेस्ट क्रेजी स्टाइलिश डायरेक्टर क्विंटन टैरेंटिनो ने लिखी और डायरेक्ट की है। ये फिल्म लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में क्राइम और वायलेंस की चार इंटरट्विनिंग कहानियां बताती है। पल्प फिक्शन क्विंटन टैरेंटिनो के डायरेक्शन में बनी एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है, जो अपने नॉन लीनियर नैरेटिव, अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स और आइकॉनिक डायलॉग से ऑडियंस को अब तक फैसिनेट करती है। लॉस एंजलिस के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में सेट ये फिल्म कई इंटरलॉकिंग स्टोरीज को वीव करती है, जो क्राइम, वायलेंस और डार्क ह्यूमर का एक रिच टैपेस्ट्री क्रिएट करती है। अगर आप सिनेमा के दीवाने हैं तो ये फिल्म तो आपको देखनी ही होगी। तीसरे नंबर पे आती है डंकर। डंकर एक 2017 की एपिक हिस्टोरिकल वॉर थ्रिलर फिल्म है, जिसे मास्टर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने लिखा, डायरेक्ट और को प्रोड्यूस किया है। ये वर्ल्ड वॉर टू के डंकर के इवैक्यूएशन को लैंड, सी और एयर के पर्सपेक्टिव से डिपिक्ट करती है। इसमें एक एंसेंबल कास्ट है, जिसमें फियन वाइट है, टॉम ग्लिन, जैक लोडन, हैरी स्टाइल्स, सीरियन मोफी और टॉम हार्डी शामिल है। मशहूर सिंगर हैरी स्टाइल्स की ये डेब्यू फिल्म थी। नोलन की डायरेक्शन के बारे में खास बात ये है कि वो हमेशा परफेक्शन के लिए जाते हैं। वो अपनी डायरेक्शन, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले पर ग्रिप कभी नहीं छोड़ते हैं, जो एक ग्रेट फिल्म मेकर की पहचान है। परफॉर्मेंस वाइज कास्ट ने बेहतरीन काम किया और आउटस्टैंडिंग बाइंग एक्टर्स जैसे मार्क राइलेंस, सीलियन मोफी और टॉम हार्डी ने स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेज दी। ये मूवी एक मस्ट वॉच है, क्योंकि इसमें ट्रू वॉर ड्रामा का एक ग्रेट पोर्ट्रेल है, जो हमारे सोल्जर्स ने फेस किया। अब चौथे नंबर पे आती है हेरिडिटरी। 2018 की अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है एरी एस्टर ने। कहानी एक शौक में डूबी फैमिली के बारे में है, जो अपने सीक्रेटिव ग्रैंड मदर की मौत के बाद भूत प्रेत से परेशान हो जाते हैं। इस फिल्म में कुछ ऐसे शॉकिंग और नियर वॉमिटिंग इंक्लूडिंग सीन्स हैं, जो स्क्रीन पर कभी नहीं देखे गए। सिर्फ इन सीन्स के लिए ही ये मूवी देखने लायक है। हर एक्टर अपनी परफॉर्मेंसेस में जान डाल देता है और अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से बेचता है। सिनेमाटोग्राफी मेस्मराइजिंग है। जब आप दूर देखना चाहेंगे तब आप नहीं देख पाओगे, बिकॉज इट इज कैप्टिवेटिंग। हेरिडिटरी एक फ्लॉलेसली डायरेक्टेड फिल्म है, जो बताती है कि रियल हॉरर क्या होता है। और आखिरकार नंबर 5 पे आती है द हैंडमेडन। 2016 की बनी साउथ कोरियन हिस्टोरिकल साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जिसे लिखा, डायरेक्ट और को प्रोड्यूस किया है पार्क चैन वूक ने। 1930s कोरिया में सेट ये फिल्म, जिसमें एक लड़की को हाइरिस की हैंडमेडन के तौर पर हायर किया जाता है, जो कंट्री साइड एस्टेट पर एकांत लाइफ जीती है। लेकिन उसके पास एक सीक्रेट है कि वो एक पिक पॉकेट है, जो एक ठग के द्वारा रिक्रूट की गई है, ताकि वो उस लेडी को सड्यूस करके उसका सारा फॉर्चून चुरा सके। मास्टर डायरेक्टर पार्क चैन वूक ने मास्टरफुली एक इंट्रीग और डिजायर की कहानी वीव की है, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न्स के साथ, जो आपको सीट के एज पर रखती है। द हैंडमेडन एक बोल्ड और प्रोवोकेटिव फिल्म है, जो पावर, जेंडर और सेक्सुअलिटी के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। अगर आप एक विजुअली स्टनिंग, इमोशनली चार्ज फिल्म देखना चाहते हैं, जो क्रेडिट्स रोल होने के बाद भी आपके साथ रहे, तो द हैंडमेडन जरूर देखनी जैसी है। सो वेल फ्रेंड्स, ये था अमेज़न प्राइम की टॉप 5 हॉलीवुड फिल्मों का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाया है तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और इनकरेज कीजिए।